देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज। और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांग्रेस पार्टी वो पुराने वाली पार्टी नहीं है। मैं आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूँ। कल हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यात्रा के माध्यम से कल यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं कल उस यात्रा में ही मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल भाजपा ज्वाइन करूँगा और पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने के लिए, पिछड़ा वर्ग की हितों की आवाज को उठाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। देखिए, लगभग एक दशक पुराना कांग्रेस पार्टी और भजनलाल परिवार से पुराना नाता तोड़ने के लिए ना कोई उनसे नाराजगी है और ना ही कोई गिला शिकवा है। मुझे मन से ये महसूस होने लगा कि लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के लिए और चौधरी भजनलाल परिवार के लिए दिल से संघर्ष किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा है कि कांग्रेस पार्टी वो पुराने वाली पार्टी नहीं रही। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी ये बयान दिया गया कि खुद भी वो ये मानने को तैयार हो गई कि कांग्रेस पहले वाली पार्टी कांग्रेस नहीं रही। क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी की नीतियां जो थी वो 36 बिरादरी की नीतियां हुआ करती थी। पिछड़े वर्ग को आगे लेकर, दलित वर्ग को आगे लेकर कांग्रेस पार्टी चला करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ना ही कोई नीति है, ना ही कोई बजट है, ना ही कोई उनका विजन है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि पिछले पाँच वर्ष पूर्व 10 साल कांग्रेस का राज रहा हो। तो उन नीतियों से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मुझे ये महसूस होने लगा कि जो मेरा खुद का वर्ग है, BCA वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग ए, उनके बच्चों को बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां मिली हैं और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है। तो उन नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूँ और आज से इस निश्चय को लेकर काम करता हूँ कि मैं जिस पार्टी में भी काम करूंगा उसके लिए तनमंदन से काम करूंगा। क्या कांग्रेस पार्टी में आपके पास क्या कुछ था पहले भी? मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जब कांग्रेस के अंदर था तो उस वक्त मैं हलका प्रधान युवा कांग्रेस था। उसके बाद मैंने कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जब हरियाणा जनित कांग्रेस का निर्माण हुआ उसमें मैं जिला प्रधान युवा अजगा था, और जब कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के अंदर मर्ज हो गए तो उनके साथ वापस कांग्रेस में चला गया। अभी आपके पास कांग्रेस में कोई पद था? नहीं, अभी मेरे पास कांग्रेस में कोई पद नहीं है। पहले वाली कांग्रेस और आज वाली कांग्रेस में क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है जो आप छोड़ दिए? देखिए, पिछली पहले वाली कांग्रेस और इस कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आज हर चौक चौराहे के ऊपर पिछड़ा वर्ग के लोग इस बात को आवाज़ से उठाते हैं, इस बात को बिल्कुल शोर शराबे से कहते हैं कि आज हमारा जो बच्चा नौकरी लगा वो बिना पर्ची और खर्ची के लगा। ये बात तो पूर्व मुख्यमंत्री ने, जैसे आपने बताया पहले वाली कांग्रेस उन्होंने भी था जी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने रोहतक में भी दावा किया था कि हमारी सरकार में भी कोई पर्ची नहीं चली, कोई पर्ची नहीं चली। नहीं, देखिए वो उन्होंने दावा अपने लोगों से पूछ के नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी कि उन्होंने नहीं लिए होंगे तो उनके डीलर्स ने कुछ पैसे लिए होंगे या बीच में कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होगी कि जो लोग कहते हैं इस बात को बारे में। मतलब आप मानते हैं पहले पर्ची चलती थी? जब ऐसा अच्छा समाज में किसी बात का शोर उठता है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। तो ये कौन सी पार्टी में आप ज्वाइन करने वाले हो, कब करोगे? कल हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप सबको पता है कि यात्रा के माध्यम से कल यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। यात्रा पूरे सफेदों को कवर करेगी, शायद करनाल से चल के यहाँ शाम तक पहुँचने वाली है, तो मैं कल उस यात्रा में ही मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल भाजपा ज्वाइन करूँगा। किस पॉइंट को आपने ज्वाइन करने के लिए? नगर पालिका का हमारा पॉइंट है, शायद ये कल अभी हमारा पॉइंट यहाँ पे से डिसाइड हुआ था नगर पालिका प्रांगण में, लेकिन यहाँ कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई कि ये तारे वारे ऊपर है कुछ यहाँ पे, तो अभी SP साहब और DC साहब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा डाइवर्ट करो, शायद मेरे ख्याल ये कम्युनिटी हॉल ना क्षेत्र वाला मिलेगा हमारे को पॉइंट, यहाँ मैं हमारे नगर पालिका का प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करूँगा। पार्टी में तो पद पार्टी में तो पद आज किसी व्यक्ति के पास ही नहीं, क्योंकि पार्टी का संगठन ही नहीं है। जब अशोक तंवर जो
हमारे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी तक उनको 5 साल में संगठन बनाने की पावर ही नहीं दी गई। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि जब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को अपना संगठन बनाने की पावर नहीं दी जाती तो ऐसी पार्टी का भविष्य में क्या 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 समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। अभी सपीतो हल्के से कुलदीप बिश्नोई के आप दूसरे खातून खास हैं जिन्होंने हाल फिलहाल पार्टी चेंज की है। जी, क्या कुलदीप बिश्नोई की पकड़ वाकई में ढीली हो रही है अपने कार्यकर्ताओं? नहीं, कुलदीप बिश्नोई से मेरे को व्यक्तिगत कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कुलदीप बिश्नोई परिवार ने, चौधरी भजनलाल परिवार में मुझे हमेशा बच्चे की तरह मान सम्मान मिला है और उनके प्रति मैं कोई टिप्पणी पर्सनल नहीं करना चाहता। उन्होंने नहीं आपको रोकना चाहा? नहीं, मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं हो या फिर डूबते जहाज से बाहर निकलने की कोशिश है? नहीं, पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं हूँ। डूबता जहाज है, देखिए ये तो हर व्यक्ति जो सत्ता में होता है कभी वो दूसरी पार्टी को ये कहता है कि डूबता हुआ जहाज है। सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, लेकिन सबसे पहले समाज पहले है, देश पहले है, पार्टी बाद में है। मुझे यूँ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो मेरे समाज के लिए, मैं जिस समाज से संबंध रखता हूँ, पिछड़ा वर्ग BCA से संबंध रखता हूँ, और पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने के लिए, पिछड़ा वर्ग की हितों की आवाज़ को उठाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मुझे बिना शर्त मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरी किसी से किसी बात की कोई शर्त की कोई खोल नहीं हुई, ना मुझे विधानसभा की टिकट चाहिए। मैं नगरपालिका की राजनीति करता हूँ, नगरपालिका की राजनीति करूँगा। अगर सभी तो लीडर की बात की जाए, किस लीडर के नेतृत्व में आप बात करेंगे? नहीं, मैं मनोहर लाल खट्टर जी, यशस्वी मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में पार्टी ज्वाइन करूँगा और भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को भी कमल का फूल देकर यहाँ से भेजेगी उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। किससे प्रभावित हो क्या पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री या प्रधान? नहीं देखो, धारा 370 और 35 से लगने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है कि भाई धारा 370 गलत हटाई गई है, तो उससे बड़ी बदकिस्मती इस कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकती कि धारा 370 और 35A के मामले में भी अगर कांग्रेस पार्टी विरोध करी है तो कांग्रेस पार्टी का ये बयान या कांग्रेस के नेताओं का बयान बड़ा ही गलत बयान है, क्योंकि देश सबसे पहले है, पार्टियां बाद में। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई, और मोदी जी की नीतियां पूरे देश के अंदर और मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियां प्रदेश के लिए, मैं उनसे प्रभावित होकर आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ।